जिले की क्वाना नदी को छोड़कर सभी नदियां इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। देखा जाए तो राप्ती, घाघरा, सरयू नदियों का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि नदियों के आसपास के 34 गाँवों में नदियों का पानी घुस गया है, जहाँ आवागमन को बेहतर बनाने के लिए 64 नावें लगाई हैं, जिससे लोगों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इसी के साथ मवेशियों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ लोगों का टीकाकरण भी कराया जा रहा है। संभावित बाढ़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां बाढ़ से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, वर्तमान में जो नदियां हैं इस समय गोरखपुर में सरयू यानी घाघरा, राप्ती, रोहिन, गुर्रा, आमी, ये सभी नदियां अगर देखा जाए तो कुआनों को छोड़ करके बाकी सारी नदियां जो हैं इस समय अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। और अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट है उस हिसाब से अभी 34 गांव जो हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट आई है 34 गांव प्रभावित हैं, और जहां पर केवल जो आवागमन की स्थिति जो दिक्कत में आ गई थी उसके लिए उन्होंने एहतियातन वहाँ नाव लगा दिए हैं। 64 नावें इस समय लगाई गई हैं पूरे क्षेत्र में। तो अभी तो स्थिति सामान्य है, मतलब खेतों में पानी आया है, तो ये वर्तमान की स्थिति है बाढ़ की। देखिए, ऐसा है, वो पशुपालन विभाग द्वारा अगर कहीं इस तरह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, अभी तो केवल नदियों का जलस्तर बढ़ा है, और यदि अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग जो पशुशाला वगैरह संचालित करना प्रारंभ कर देंगे, और वहां पर उनके लिए जो चारे और इत्यादि की जो व्यवस्था है उसके लिए पूरा टेंडर वगैरह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, रेटों का निर्धारण भी कर लिया गया है, और टीकाकरण का कार्य चालित। तो अभी अगर पशुओं के लिए जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने इस स्तर पर सुनिश्चित की है। देखिए, नदियों में अभी लगातार हमारी जो सिंचाई विभाग की टीम है और राजस्व विभाग की टीम है और पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीमें प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रही है। साथ ही साथ जो हमारे 3 खंड हैं यहाँ पर, बाढ़ खंड 2 और ड्रेनेज खंड, ये तीनों खंड के लोग भी एकदम लगातार कैंपों मतलब बंदों पर ही कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि वे वहाँ पर कैंप करें और वस्तुस्थिति से अवगत भी कराते रहें, और यथासंभव जहां कहीं भी रिसाव की सूचना मिल रही है या कहीं तटबंध की मरम्मत का कार्य है तो वो लोग तुरंत उसे करवा भी रहे हैं, और कुछ जगहों पर सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम को तो वहां पे संबंधित अधिशासी अभियंता को इस संबंध में सूचित कर दिया गया था, और अभी सभी तटबंध वर्तमान में सुरक्षित हैं और उस पर पूरी निगाह हम लोगों ने अपनी बना रखी है। कहीं भी खतरे की बात नहीं? नहीं, अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और लगातार टीमें
संपर्क बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम हमारा 24/7 चल रहा है और उसमें बहुत से डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं। इस बार हम लोगों ने वहाँ पर सिंचाई विभाग के भी लोगों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बेहतर रूप से कार्य कर सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएँ अभी सुदृढ़ हैं, कहीं से कोई इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।